हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में वर्तमान में कौन क्या है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड? तो प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। और ये भारत के प्रथम अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें प्रथम राष्ट्रपति बने थे। बात करते हैं फ्रेंड, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? तो किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है वहाँ का राष्ट्रपति। यानी प्रेजेंट टाइम में अगर भारत का प्रथम नागरिक कौन है तो यहाँ पे है रामनाथ कोविंद जी हैं। आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो प्रेजेंट टाइम में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू जी। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है फ्रेंड। राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। राज्यसभा का चुनाव लड़ने की उम्र जो होती है फ्रेंड वो 30 साल के लिए होती है और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। जबकि लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का जो चुनाव की उम्र होती है फ्रेंड वो होती है 25 साल और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है जबकि राज्यसभा एक लोकसभा अस्थायी है जबकि राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। यानी लोकसभा भंग की जा सकती है पर राज्यसभा भंग नहीं होती है फ्रेंड। जो हमारे संसद के अंदर जो तीन अंग होते हैं जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तो ये हमारे संसद के तीन अंग माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं रेलवे मंत्री की। तो प्रेजेंट टाइम में भारत के रेलवे मंत्री कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं पीयूष गोयल। अक्सर आप देखते होंगे इनका ट्वीट हमेशा और क्या नाम है अपना, ये सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे देखते हैं जो राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है प्रेजेंट टाइम में? राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है इसमें प्रेजेंट टाइम में? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग का पहले ये किस नाम से जाना जाता था फ्रेंड? पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, प्रेजेंट टाइम में इसको बोल जाना जाता है नीति आयोग के नाम से। आगे इस पर अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे फ्रेंड। बात करते हैं सेबी के अध्यक्ष, जो सेबी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं फ्रेंड्स। बीसीसीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो सौरभ गांगुली, जिसको हम दादा के नाम से भी जानते हैं। बीसीसीआई के सचिव कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह हैं। चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS प्रेजेंट टाइम में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस कौन नियुक्त किए गए हैं? जो कि प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस हैं जो कि हैं जनरल बिपिन रावत जी। जनरल बिपिन रावत हैं चीफ ऑफ डिफेंस, इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस। नौसेना के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो नौसेना के अध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं नौसेना के अध्यक्ष हैं। वायुसेना की बात करते हैं, हाल ही में अभी इनका ज्वाइनिंग हुआ है, इन्होंने अपना हाल ही में पदभार संभाला है। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। थल सेना ने भी अपना जल्दी में ही अपना पदभार संभाला है। नए थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड? तो नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भारत के थल सेना के अध्यक्ष हैं फ्रेंड। जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है फ्रेंड? तो राष्ट्रपति होता है। बात करते हैं SSC की। SSC के यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो ब्रजराज शर्मा। कौन है फ्रेंड? ब्रजराज शर्मा, जो SSC का एग्जाम कराते हैं उसके जो अध्यक्ष की बात करते हैं तो कौन है? ब्रजराज शर्मा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो प्राइम मिनिस्टर होता है यानी प्रधानमंत्री। भारत के प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग जो पहले योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी, 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज होकर के क्या बन गया है फ्रेंड? तो नीति आयोग। और नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड?
तो नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं फ्रेंड तो वाई वी रेड्डी है। कौन फ्रेंड? वाई वी रेड्डी। सीबीआई निदेशक कौन बने हैं फ्रेंड? तो सीबीआई निदेशक बने हैं ऋषि कुमार शुक्ल। कौन है? ऋषि कुमार शुक्ल। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आप एक बार ज़रूर पेपर देने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको 2-4 नंबर ज़रूर देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। सीबीआई का पूरा नाम क्या है फ्रेंड? सीबीआई का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? भारत के प्रथम लोकपाल की बात करते हैं फ्रेंड तो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष इस प्रेजेंट टाइम में है ओम बिरला। पिछले साल हुई थी कौन, पिछले बार कौन थी फ्रेंड? तो सुमित्रा महाजन जी थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है फ्रेंड? बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो अजीत डोभाल हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त कई बार पूछा जा चुका है, पहले सबसे पहली बार कौन बने थे फ्रेंड? तो सबसे पहली बार बने थे सुकुमार सेन, और प्रेजेंट में हैं सुधीर भार्गव। कौन है? सुधीर भार्गव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो रेलवे जो भी NTPC या सीट क्या नाम है ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो याद कर ले, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। पहले अश्विनी लोहानी हुआ करते थे, उनका वो चेंज हो चुके हैं, प्रेजेंट टाइम में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए फ्रेंड? तो विनोद कुमार यादव जी हैं। इसरो की बात करते हैं तो इसरो के अध्यक्ष है फ्रेंड के सीवान। कौन है? के सीवान। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, और फ्रेंड जैसे कि गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, और 100 साल के बाद मान लो इसरो की भी स्थापना हुई 1969 को, इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। इसरो का पूरा नाम फ्रेंड क्या है? तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भी यहाँ पे चंद्रयान 2 का परीक्षण किया था, जो काफ़ी नज़दीक जा कर के मिशन फेल हो गया, लेकिन अगली बार शायद ये दुआ करिए कि ये मिशन कंप्लीट हो। बात करते हैं DRDO के अध्यक्ष की बात करते हैं फ्रेंड, DRDO के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। DRDO का पूरा नाम क्या है फ्रेंड? तो DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। RBI के नए गवर्नर कौन बने हैं? जो 25वें नंबर के हैं तो फ्रेंड शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है RBI के नए गवर्नर। लोकसभा के महासचिव जो प्रथम महिला हैं कौन बनी हैं? स्नेह लता श्रीवास्तव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको ज़रूर आप देख के जाइएगा, किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। राज्यसभा के उपसभापति कौन है इसमें प्रेजेंट टाइम में? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं तो कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं भारत के आर्थिक सलाहकार। IB के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो IB के अध्यक्ष है अरविंद कुमार। IB का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? IB का पूरा नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। फ्रेंड बात कर लेते हैं कुछ और लोगों के जिन्होंने जो जैसे कि भारत के वर्तमान में है, जैसे कि राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है फ्रेंड? राजनाथ सिंह प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। वित्त मंत्री की बात करते हैं तो वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है फ्रेंड, निर्मला सीतारमण जी हैं फ्रेंड। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।